हेलो, गुड मॉर्निंग एंड जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज दिन का शुरुआत पहले करते हैं लीची से। ये हमारी खेत की लीची, और मम्मी बहुत लेकर आई थी खेत से लीची, अभी भी बहुत ज़्यादा हो रखा है और सारा चिड़िया खा रहा था, इसीलिए लेकर आएँ। और पता है आप लोगों को लीची कितना मीठा हुआ, इतना मीठा मन मतलब कि बहुत अच्छा लग रहा था खाने में। तो फ्रेंड्स, वैसे आज हम लोगों को चलना है मार्केट, इसीलिए थोड़ा सा तैयार होकर और फिर हम लोग निकल गए मार्केट के लिए। सुबह सुबह का वक्त था और मैं, मेरी ननद और मेरी बुलबुल मार्केट के लिए निकल गए, क्योंकि बुलबुल को 15 महीना वाला इंजेक्शन लगवाना था और इसको थोड़ा फीवर भी आ रही थी ना, इसी के लिए इसको दिखाना था डॉक्टर में। आप लोगों को चलते चलते रास्ता का व्यू दिखा रही थी। गाँव का नज़ारा बहुत ही सुंदर लगता है ना देखने में। ये जो आप लोग देख रहे हैं वो धान है। और बस रास्ता में चल रही थी, सुबह का वक्त था, 8 बज रहा था, लेकिन मतलब मौसम बहुत गर्म था। और वही आप लोगों को बताते जा रही थी। वैसे पैदल जाना था हम लोगों को निकल कर, और हालत ख़राब हो रही थी सुबह सुबह। मेरे हस्बैंड को मैं मना कर रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी, फिर भी वो बोले कि जाओ, 15 महीना वाला 16 महीना वाला इंजेक्शन जो होता है लगवा देना। तो इसी के लिए जाना पड़ा, नहीं तो इतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाते जा रही थी रास्ता में, जहाँ तक हो सका मैं बनाई। उसके बाद तो बंद कर दी, क्योंकि धूप बहुत तेज़ था और प्लस क्या कहते हैं उसको, हवा भी आ रही थी, जिसकी वजह से ना मतलब कि बना नहीं पा रही थी रास्ता में। और मैं आप लोगों को वही बता रही थी कि धूप बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और अभी चल रही हूँ हॉस्पिटल। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे दिखाती हूँ। और ये है गाँव का सबसे पुराना कुआँ, और ये है बसवाड़ी। यहाँ पे हम लोग आ जाने से यहाँ पे बहुत ही सुकून सा मिलता है, क्योंकि यहाँ ना धूप नहीं लगती, यहाँ पे ग्रीन सब कुछ, मतलब सिर्फ ज़्यादा करके पेड़ है, और यहाँ पे बैम्बू का जो पेड़ होता है ना वही है, तो इसके वजह से ना यहाँ पे धूप नहीं लगती, यहाँ पे बहुत सुकून सा फील होता है। तो अभी हम लोग गाँव से निकल रहे थे और पैदल जाना था, बहुत ही गर्मी थी। और क्या बताऊँ मैं, चलिए मैं आप लोगों को व्यू दिखाती हूँ, फिर हॉस्पिटल पहुँचूँगी तब दिखाऊँगी, क्योंकि ये रास्ता बहुत लंबा है इसलिए मैं बना नहीं पाऊँगी वीडियो। तो फ्रेंड्स, पता है आप लोगों को, यहाँ ऑटो वाला का एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि लोग पहले से पैसेंजर का वेट करते रहते हैं। और मैं आप लोगों को यहाँ पे रास्ता का व्यू दिखा रही थी कि देखिए कितना सुंदर लग रहा था रास्ता का व्यू। और मेरी बुलबुल भी एकदम मतलब कि चिपक कर अपनी बुआ में बैठी हुई थी, हिल भी नहीं रही थी, उसको डर लग रहा था उस ऑटो में। तो ये बैटरी वाला ऑटो है जो गाँव में चलता है, और ऑटो में जब बैठी तब हवा आया तो सुकून सा एक फील हो रहा था, इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ का नज़ारा दिखा रही थी। गाँव में देखिए ज़्यादा ना पेड़ पौधा तो मुझे नहीं दिखता, मतलब कि जहाँ तहाँ मिलता है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा नहीं मिलता जैसे भुवनेश्वर में था ना, वैसा नहीं है यहाँ पर। तो वही मैं आप लोगों को यहाँ का नज़ारा दिखा रही थी कि कितना अच्छा लग रहा था दिखने में, और आप लोगों को बता भी रही थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑटो रुका हुआ था कुछ देरी के लिए, क्योंकि पैसेंजर को लेना था, इसी के लिए दो पैसेंजर का वेट कर रहे थे। और काफ़ी देर वेट करने के बाद में दो पैसेंजर वहाँ से आई, दो नहीं तीन थी, और फिर उसके बाद में मतलब हम वहाँ से चले। और इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, और मैं आप सबको स्टूडेंट दिखा रही थी गाँव का, कि देखिए गाँव में जो स्टूडेंट होते हैं ये लोग ऐसा ड्रेस पहन कर जाते हैं, मतलब कि कॉलेज जाना होता है ना तब घर के यूनिफॉर्म में ही जाते हैं ज़्यादातर। और फिर हम लोग वेट कर रहे थे, तब बहुत देरी के बाद में आई दो लेडी, तीन लेडी, और मैं आप लोगों को बता रही थी कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इसमें भी, यहाँ का यूपी का गर्मी बहुत ख़तरनाक गर्मी हो रहा है अभी। तो चलिए आप लोग बने रहिए मेरे साथ, मेरी बुलबुल तो बहुत इंजॉय कर रही थी, वो भी बुला रही थी ड्राइवर को जल्दी आओ, यहाँ पर वो तो ऐसे वेट करती है। कहाँ आई है, कहाँ हॉस्पिटल में आई है बाबू, देखो हॉस्पिटल आई है मेरी बाबू। हाँ ये बाबू कहाँ रो रहे, देखो बाबू कहाँ रो रहे, बाबू को इंजेक्शन लगे, देखो छोटा बाबू को इंजेक्शन लगे, रो रहे बाबू है ना।
लास्ट हम लोग हॉस्पिटल पहुँच ही गए थे और मैं आप लोगों को दिखा रही थी, अंदर में ही मेडिकल स्टोर है तो वहाँ पे मेडिसिन मिलती है। और ये ना खास करके बच्चों के लिए ही बनाया हुआ है हॉस्पिटल, और इसमें बच्चों का ही मतलब कि इलाज होता है। बड़े लोग भी मैं देखी कि वो लोग भी अपना ट्रीटमेंट करवा रहे थे अंदर, लेकिन ये बच्चों का ही है। और यहाँ पे जो डॉक्टर बैठते हैं वो भी बच्चों का है। लेकिन बहुत अच्छा लगा, बुलबुल को लेके गए, वहाँ में एक्वेरियम था और क्या कहते हैं उसको, वो भी था, इसका लकड़ी की कांटी घोड़ा भी था वहाँ पे। उसके साथ में मेरी बुलबुल बहुत खेली, और फिर बाद में जब उसको देखी कि एक बच्चा रो रहा है, फिर उसके साथ ये भी रोना स्टार्ट कर दी थी, तब मैं इसको फिर से लेके गई थी खिलवाने के लिए वहाँ पे, क्योंकि इसको पता चल गया था कि यहाँ पे इसको सुई लगेगा। एक और आई थी तो उसको वहीं पर सुई लगा था, तो शायद उसको याद था इसीलिए वो रोना स्टार्ट कर दी थी। और मैं इसको मन बहला रही थी और इसको दिखा रही थी, आप देखिए कैसे देख कर, और डर रही थी मेरी बेबी। पहले पहले तो बहुत डर रही थी मछली को और घोड़ा को देखकर, लेकिन बाद में वो खुद से जाकर उसके साथ खेलना शुरू कर दी। आप तो चलिए बने रहिए और देखिएगा, मज़ा आएगा वीडियो में। चढ़ के दिखा दे पापा को, नहीं उसको उठाते नहीं, देखो उठा रही है ऐसे, अंकल मारेंगे। चल इस पर चढ़ जा, कैसे चढ़ी तेरी? हाँ चढ़ गई मेरी बुलबुल, देखो चढ़ गई। अरे कैसे चढ़ जा, चढ़ो चढ़ो कर लेते। हाँ वहाँ वहाँ जाएंगे। हाँ चढ़ जा, इस पर चढ़ जा। फ्रेंड्स अभी हम लोग डॉक्टर के पास दिखा चुके हैं, वेट भी गेन हो चुका बाबू का, सॉरी वेट भी करवा लिए हैं, लेकिन उसका वेट बहुत लॉस हो गया अभी। और अभी मेडिसिन ले रही हूँ और अभी उसका इंजेक्शन भी लगने वाला है, तो इसीलिए अभी वेट करेंगे, क्योंकि सर बोले उसको फीवर आ सकता है, तो उस पर इंजेक्शन लगवाना है 15 मंथ वाला। देखिए मेरी ननद मेडिसिन ले रही, दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे मेडिसिन ले रही है बुलबुल को लेकर। यहाँ पे मैं अपना वेट कर रही थी, मेरा वेट तो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन पतली लगती हूँ मैं। और अभी देखिए वहाँ पे डॉक्टर बैठे हुए अंदर में, और अभी इंजेक्शन लगवाने फिर जाना है अंदर, मेडिसिन ले लूँ पहले। वहाँ पे देखिए भीड़ लगा हुआ है पूरा, तो इसके बाद चलेंगे फिर कुछ खाने, क्योंकि मैं मॉर्निंग से कुछ खाई नहीं हूँ और ऐसे ही आ गई थी, तो कुछ खाना भी है बाहर जाकर। और फिर अभी और भी कुछ काम है, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, इसी के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रहा है। छतरी लेकर आई पर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है बाहर में, और आप सब मेरा फेस देख सकते हैं कितना डल हो गया, तो ऑयली ऑयली, तो पहले ले लेते हैं। हाँ सर देखो, तो ठीक है फ्रेंड्स भी मिलते हैं, मैं बाद में वेट कर। चल मेरे घोड़े, टिक 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 टिक, कहाँ है ये देखो, टिक टिक है देखो बुलबुल, टिक टिक ले ले, घोड़ा ले ले, घोड़ा ले ले, टिक 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 ले ले, हाँ टिक टिक, लेकिन मेरा हाथ नहीं छोड़ेगी ये। अरे बैठेगी, बैठ जा उसे, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा, हाँ ले आओ यहाँ, ले आओ ले आओ, खींच के ले आओ, हाँ ले आओ बैठ जा, टिक टिक पे बैठ जा सना, बैठ जा पूजा पूजा, टिक 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 बैठ जा, टिक टिक इधर, हाँ इधर को क्या है, बैठ जा टिक टिक पे बैठ जा, फ्रेंड्स अभी हम लोग आए छप्पन भोग में, और देखिए मेरी बुलबुल कैसे रोने लगी चे करके, और ऊपर से कूद गई थी पता है। और अभी हम लोग गए थे स्कूल में बात करने एक मैम के लिए, पर देखी तो वो मैम ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ा रही है, तो अभी घर वाले में चलो ना, हवा तो आ रही था। अच्छा हाँ इसको भूख लगा, बैंडेज लगा लेते हैं, चलिए कुछ मंगवाते हैं, ऑर्डर करते हैं खाने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मार्केट इज़मतगढ़ का, और यहीं पे हम लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए। आप लोगों को मार्केट दिखा रही, और चलिए मैं आप लोग दिखाती हूँ जिस दुकान में मैं जाती हूँ सामान लेने। अभी छप्पन भोग से निकली, ये
ये है बजरंग वाली का, देखो देख रही है दूर से, देख ली अब बताएगी। वो सालू सालू देख के मुस्कुरा रही है, गाड़ी आ रही है धुआं कर दी। तो ये है वो दुकान जहाँ पे मैं जा रही हूँ अभी ब्लॉग बनाने। अच्छा लग रहा है ना ड्रेस, दूर से ही देख के मुस्कुरा रही ना। चलिए तो फ्रेंड्स, दुकान से मुझे जो सामान लेना था वो ली, और फिर रास्ता का वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी था। इसी के लिए जब शाम को छत पे गई ना, तो उस समय का छोटा सा मेरी बुलबुल का ब्लॉग बनाई मैं, और वो पानी में खेल रही थी। इसको इंजेक्शन लगवाई थी लेकिन बुखार नहीं आया था, मेडिसिन खाई थी, अपने खेल रही थी। तो वही घर आ गए और फिर जाकर आराम किए। तो फिर आज के लिए बस इतना ही ब्लॉग है, और फिर आऊँगी नेक्स्ट टाइम अच्छा वाला वीडियो लेकर। तब तक के लिए बाय, और ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप लोग ना उसे लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये शाम का व्यू मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ नया वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।